फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोल्स किचन। आज हम बनाएंगे यूपी बिहार की ट्रेडिशनल डिश बाटी चोखा। ट्रेडिशनली तो ये ओपले में बनती है, लेकिन आज इसे हम अवन में बनाएंगे। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले हम बाटी के लिए आटा लगा के तैयार करेंगे। उसके लिए चाहिए 200 ग्राम गेहूं का आटा, आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, नमक स्वादानुसार, देसी घी, पानी। अभी हम आटे में बीच में एक थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इसमें ये मैंने एक बड़ा स्पून लिया है, इसे भर करके एक चम्मच इसमें ये डालेंगे और आधा चम्मच ये हमने देसी घी डाला है। देसी घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पर जिन्हें देसी घी से प्रॉब्लम है वो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे। आधा चम्मच बेकिंग सोडा। हम थोड़ी अजवाइन ऐड कर लेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। ऐसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने आटे में घी, अजवाइन, नमक अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटा चेक करने के लिए ऐसे करेंगे तो ये लड्डू बन करके, मीन्स अगर इसका लड्डू भी बनाए तो बन जाए, क्योंकि अगर इसमें ये कम रहेगा तो बाटियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। अब इसमें ना हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करते हैं। और इसे बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है, बहुत ज़्यादा मसल करके चिकना नहीं करना है। ये आटा मैंने गूंथ के रेडी कर लिया है। बाटी के लिए आटा रेडी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं गूंथा है मैंने, ना बहुत ज़्यादा इसे गीला किया है। तो ये याद रखिएगा, इसे अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे तोड़ेंगे तो ये एकदम से ऐसे अलग हो जाएगा। ऐसे हम ऐसे ही 15 मिनट के लिए रख करके छोड़ देंगे। तब तक हम बाटी में स्टफिंग करने के लिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 7-8 लहसुन छिली हुई, 3 मैंने छोटे साइज के नींबू ले लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, और तीखा चाहें तो और ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर आधा चम्मच और 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। इसके लिए सत्तू चाहिए। ट्रेडिशनली सत्तू गांव में ही मिल पाता है, जिसमें जौ का आटा, काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सअप रहता है, पर सब जगह ये अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए हम जो मार्केट में भुने हुए चने की दाल आती है, भुना हुआ चना छिला हुआ, उसको हम पीस लेंगे। अगर छिला ना मिले तो खड़े चने को भी, भुने हुए खड़े चने को पीस करके, छान करके ये सत्तू तैयार किया जा सकता है। तैयार करने के लिए ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा का पाउडर, अगर जीरा का पाउडर नहीं है, मेरे पास है इसलिए मैंने डाला, आप भून करके जीरा का पाउडर बना सकते हैं, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसे हम, और थोड़ी सी धनिया, ये डाल के इसे हम पीस लेंगे। ये हमने मसाला पीस कर रेडी कर लिया है। इसमें से आधा मसाला हम सत्तू में ऐड कर लेंगे। मैंने मसाला इसमें मिक्स कर दिया है, आधा मसाला। इसमें नींबू का रस डाल देंगे, थोड़ा गीला हो गया है, सूख जाएगा ये, धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है, पानी बहुत सोखता है सत्तू। ये मसाला हमारा रेडी है। ये थोड़ा सूखा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा गीला करने के लिए, मतलब 1-2 टेबल स्पून। अभी हमारी स्टफिंग तैयार है, अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और भरते की तैयारी करते हैं। भरता बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज के बैंगन, 3 बड़े टमाटर, 3-4 हरी मिर्च, लहसुन 7-8 कली छिली हुई, 2 प्याज, 3 आलू, नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सरसों का तेल, और ये जो बाटी के लिए हमने मसाला पीसा था वो जो बचाया था। अभी अभी हमें आलू को बॉईल करना है, प्याज को बारीक काटना है, टमाटर और बैंगन को भूनना है। बैंगन मैं अवन में भूनूंगी, आप चाहें तो गैस में भून सकते हैं। बॉयल मत करिए बैंगन को, क्योंकि बैंगन का टेस्ट खराब हो जाएगा। आलू के पास, अपने पास चॉइस नहीं है, ये ट्रेडिशनली तो कंडी में पकाया जाता है या उपले में, इसे मैं बॉयल करूंगी। अभी ये बैंगन मैं तैयार करूंगी भूनने के लिए। इसे मैं
एक चीरा लगाऊंगी अंदर, इसे हमें चेक भी करना है बैंगन हमारे सही हैं इससे पता चल जाएगा। ये जो लहसुन है छिली हुई, इसे इसके अंदर दबा करके भर देंगे। दूसरी तरफ से भी काट लिया है और इसमें मैं ये खड़ी हरी मिर्च अंदर डालूंगी। ये मैंने दो खड़ी हरी मिर्च अंदर डाल दी है। ऐसे ही हम दूसरा बैंगन भी तैयार कर लेते हैं। ये दोनों बैंगन मैंने भर के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऊपर से लगाएंगे, इससे छिलका अच्छे से निकल आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसे मैं एक ओवन सेफ बाउल में रख दूंगी। ये जो टमाटर लिए थे इसमें भी हल्का सा तेल लगाएंगे और इसी में साइड में रख दूंगी। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे। बैंगन थोड़ा टाइम लेगा और ये टमाटर जल्दी पक जाएंगे। हमें इसे 10 मिनट के लिए ओवन में पकने के लिए रख देती हूँ। जब तक बैंगन टमाटर और आलू पक रहे हैं तब तक हम बाटी बना के तैयार करेंगे। इसमें से छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। बाटी की लोई बन के तैयार है। ये बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीच में दबा दबा के थोड़ा सा गड्ढा करेंगे ऐसे, और इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग लेकर के इसके अंदर दबा करके चारों तरफ से ऐसे उठाते हुए दबाते हुए इसे बंद कर देंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये थोड़ी सी ऐसी दिखेंगी भी कोई परेशानी नहीं है। इसमें थोड़े क्रैक्स दिख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पकने के बाद में अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी। ऐसे हम बाकी बाटियों के साथ करेंगे। ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करेंगे, थोड़ा सा मसाला लेंगे डालेंगे और कोनों से उठाते हुए इसे हम दबा करके बंद करके गोल कर देंगे। इस तरह से हम अपनी सारी बाटियां बना करके तैयार कर लेते हैं। और अवन में अगर हमने बैंगन और टमाटर पकने के लिए रखे हैं तो ऑलरेडी प्री हीटेड हो जाएंगे, क्योंकि हमें बाटी बनाने के लिए कम से कम 10 मिनट का प्री हीटेड अवन चाहिए होगा। ये बाटी हमारी पकाने के लिए रेडी है और मैंने अवन चेक किया एक बार बीच में, तो उसमें से मैंने टमाटर निकाल लिए क्योंकि टमाटर जल्दी पक जाते हैं और बैंगन भी 2 मिनट में पक के रेडी हो जाएंगे। और ये मेरे आलू भी मैंने पका करके रख लिए, इन्हें भी मैं तब तक छील के तैयार कर लेती हूँ। बैंगन निकाल के मैं ये बाटी ओवन के अंदर रख देती हूँ। इसे हम मैक्सिमम टेम्परेचर पे पकने के लिए छोड़ेंगे। इसे मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे ओवन का 200 डिग्री सेल्सियस है। मैं इसे कन्वेक्शन मोड पर 200 डिग्री सेल्सियस पर 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये बैंगन मैंने छील करके रेडी कर लिया है। अब इसमें हम अपने आलू और टमाटर मैश करके ऐड कर देंगे। हाथ से ये अच्छे से मैश हो जाता है और मेरे ख्याल से टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। ये सब कुछ मैश करके मैंने रेडी कर लिया। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ टेस्ट टेस्ट के अनुसार। उसके बाद हरी धनिया, यानी कि जो प्याज काटी थी प्याज, ये जो मेरा मैंने मसाला आधा बचाया था ये मसाला इसमें ऐड करूंगी, और ये हरी मिर्च, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें लास्ट में हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। ये लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है। इसमें सरसों के तेल की खुशबू बहुत अच्छी से, कोई छौंका नहीं मारना है। आपको नहीं पसंद है तो मैं फिर से बोलूँगी आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर टेस्ट सबसे अच्छा बाटी चोखे के साथ ट्रेडिशनली भी सरसों का ही आता है। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है ऑयल मिक्स करते करते ही। और अब ये हमारा भरता बैंगन का रेडी है। ये बाटियां पक करके हमारी रेडी हो गई है। एग्जैक्टली इसमें 40 मिनट लगा है। ये कैसे चेक करें कि बाटियां पक गई हैं? ये थोड़ी सी क्रिस्पी दिखेगी, गोल्डन ब्राउन दिखेगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि बाटी हमारी पक करके रेडी है। और आइए अब इसे हम सर्व करते हैं।
मैंने एक प्लेट में भरता निकाल लिया है। अब बनी हुई बाटियों को मैं इसमें एक एक करके देसी घी में डिप करूंगी। गरम गरम बाटी हैं, देसी घी अपने आप ही पिघल गया है, इसे निकाल लेंगे। मैंने प्लेट में बाटी निकाल ली है, इसे खाने के लिए हम इसे बीच से ऐसे तोड़ेंगे। इसमें और टेस्ट ऐड करेंगे, घी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। बाटी में देसी घी ना खाया तो क्या खाया। और अब हमारी ये खाने के लिए बाटी रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, चंद्रोल्स किचन। थैंक यू, बाय।